लियो मैसी का आज इंटर मियामी में MLS की जर्नी हो गई ऑफिशियली खत्म, जिसके चलते अपन को ये सुनने को मिल रहा है कि लियो मैसी ज्वाइन कर सकते हैं FC बार्सिलोना को लोन में। अब भाई ये कहानी में कितनी सच्चाई है, ये कहानी सुनने में जितनी स्वीट और इजी लग रही है उतनी बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट नहीं है। तो कैसे ये कहानी में क्या क्या ट्विस्ट आ सकते हैं और ये हो सकता है तो कैसे हो सकता है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। भाई साहब, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे फॉर डेली फुटबॉल अपडेट्स 7:30 बजे सुबह, और हेल्प अस टू रीच 100K का मार्क। वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको कहानी बता देता हूँ दोस्तों, हुआ क्या है। सो भाई आज जो है वो इंटर मियामी का मैच चल रहा था, एंड इंटर मियामी जो है वो प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला ये था कि जितने भी मैचेस आपने अभी MLS के खेलने हैं उतने आपने जीतने हैं, अगर एक भी मैच हारोगे तो टाटा गुड बाय कह देना। और जैसे ही ये जर्नी बिगिन होता है हर एक गेम फाइनल बना लिए इन लोग अपने लिए खुद, तो ये एक हर एक गेम फाइनल है वाली जर्नी जैसे ही चालू हुई, पहला मैच सिनसिनेटी के खिलाफ और पहला मैच ही जो है वो इंटर मियामी हार जाती है, जिसके चलते अब इंटर मियामी जो है वो प्लेऑफ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। ये प्लेऑफ क्या है, कैसे लीग जीतते हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो आपने मेरी MLS के ऊपर बनाई हुई वीडियो को नहीं देखा है, जो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के बाद आप देख लेना, जो यहां पे भी आ रहा होगा। मोर ओवर अगर मैं शॉर्ट में आपको समझा दूं तो MLS जीतने के दो तरीके हैं, एक तो आप लीग जीतोगे टेबल टॉप करके, और एक तरीका है कि आप प्लेऑफ जाइए और प्लेऑफ में खेल करके जो है वो जीत सकते हैं। प्लेऑफ जो है वो टॉप 6 के टीम से हो पाती, तो लीग तो इंटर मियामी नहीं जीत पाती क्योंकि वो 15th ऑन द टेबल थी। लियो मेसी के आने से पहले उन्होंने इतने सारे गेम्स हार लिए थे कि लीग जीतना नामुमकिन ही नहीं मुश्किल था। मोर ओवर सीधी सी बात थी कि भाई लीग नहीं जीत पाएंगे तो प्लेऑफ के लिए तो क्वालिफाई कर ही सकते हैं, क्योंकि 14th ऑन द टेबल से 6th ऑन द टेबल का सफर विद लियो मेसी आसान लग रहा था, क्योंकि जब जब लियो मेसी इनके साथ खेले हैं इन्होंने अपने हर एक गेम जीते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 11 गेम्स इन्होंने खेले हैं और 10 गेम्स इन्होंने जीते हैं। एंड विदाउट लियो मेसी भाई इनकी रिकॉर्ड बहुत ही बेकार रही, 7 गेम्स इन्होंने खेला केवल एक ही गेम जीते हैं, 2 ड्रॉस और 4 डिफीट विदाउट लियो मेसी थे। तो भाई विद लियो मेसी द जर्नी टू प्लेऑफ वाज लुकिंग क्वाइट पॉसिबल, बट अनफॉर्चुनेट इवेंट्स टुक प्लेस जिसमें लियो मेसी को हो गई इंजरी, एंड देन विदाउट लियो मेसी जो रिदम में इंटर मियामी चल रही थी कि हाँ प्लेऑफ तो बहुत ईजी नजर आ रहा है, वो रिदम को कंटिन्यू करने के लिए इनको जीतने थे मैचेस, एंड विदाउट लियो मेसी ये मैचेस जीत नहीं पाए, बहुत सारे गेम्स इन्होंने ड्रॉ कर लिए जैसे मैंने आपको बताया, और 4 जो है वो लॉस भी लिए, जिसके चलते इंटर मियामी के प्लेऑफ की जो है वो पूरी जर्नी एकदम जो है वो भैया कप कप आ गई। अब भाई लियो मेसी जब तक रिटर्न करे तब तक चीज़ें इनके लिए खुद कॉम्प्लिकेट हो चुकी थी। पहला मैच ही जो है वो आ जाता है भैया लीग चैंपियंस के साथ, जो पिछले बार लीग जीते थे, एंड लियो मेसी उसमें भी एज अ सब्स्टिट्यूट आए इंजरी के बाद, तो वहाँ पे भी जो है वो लियो मेसी भी स्ट्रगल कर रहे थे, इंटर मियामी भी स्ट्रगल कर रहे थे, और 1-0 की आज जो है उन्होंने लॉस ले ली। अब इस लॉस के बाद इंटर मियामी की MLS में जर्नी हो गई खत्म ऑफिशियली, अब जो है वो ना ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं और लीग जीतना तो भूल ही जाओ, 14th ऑन द टेबल के साथ कोई लीग जीतेगा बिल्कुल भी नहीं। सो इसी चीज को देखते हुए कि 21st अक्टूबर को आखिरी ऑफिशियल इंटर मियामी का मैच होने वाला है जिसमें लियो मेसी पार्टिसिपेट करेंगे, और 21 अक्टूबर के बाद लियो मेसी और इंटर मियामी का आपको एक भी गेम नहीं देखने को मिलेगा जब तक नया सीजन MLS का चालू नहीं हो जाता, और नया सीजन चालू होगा फरवरी में, यानी कि अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक लियो मेसी आपको क्लब फुटबॉल से जो है वो वंचित नजर आएंगे, बिल्कुल भी वो एक भी गेम नहीं खेलने वाले क्लब फुटबॉल के। अब इसी के चलते ये रूमर जो है वो सामने आई कि सिंस वो क्लब फुटबॉल खेलेगा नहीं, वो फ्री रहेगा भैया अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, तो वो लोन में तो जा ही सकता है बार्सिलोना। अब इसमें जो है वो चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, जितना स्वीट साउंड कर रहा है ना उतना स्वीट है नहीं, तो मैं आपके जो है वो सपनों को तोड़ देता हूँ, लेकिन आपके सपनों को तोड़ने से पहले ये र्यूमर आ कैसे रहा है ये आपको बता देता हूँ। तो पिछले 2 बड़े खिलाड़ी भैया MLS के जो सेम फेट के साथ गुजरे हैं, और उन्होंने ये कहानी करी है कि अमेरिका में खेलने के जाने के बावजूद जब उनकी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं हुई तो उन्होंने जो है वो वापस से यूरोप का जो है वो रास्ता नाप लिया लोन में जा करके। ये कहानी डेविड बैकम ने करी थी, डेविड बैकम खेला करते थे लॉस एंजलिस के लिए, और लॉस एंजलिस में भी गेम कहानी हुई थी, वो भी प्लेऑफ के लिए जो है वो क्वालिफाई नहीं करे थे, डेविड बैकम अक्टूबर से लेकर के होते फरवरी तक फ्री, तो वो जो है वो भैया लोन में ज्वाइन कर लेते हैं AC मिलान, जहां पे वो AC मिलान का पूरा सीजन खेल करके वापस जो है वो लॉस एंजलिस FC में आए थे।
और ऐसी सेम कहानी जो है वो थियरी हेनरी ने भी किया था। थियरी हेनरी भी जो है वो न्यूयॉर्क के लिए खेलते थे और न्यूयॉर्क में खेलने के साथ जब न्यूयॉर्क जो है वो अपने प्लेऑफ तक नहीं पहुंची तो थियरी हेनरी ने भी कहानी इसमें ऐसी करी, वो बोले कि चलो मैं भी जो है वो लोन में चले जाता हूं क्योंकि अब मेरे पास भी जो है वो फ्री फोकट का समय है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का, तो मैं जाता हूं भैया अपनी पुरानी कप आर्सेनल में। और 2012 इफ आई एम नॉट रॉन्ग आर्सेनल में थियरी हेनरी रिटर्न करके जो है वो भैया लोन में खेल करके आ गए थे। लेकिन इन दोनों की जर्नी में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बात कर लूं मैं डेविड बेकहम की जर्नी के बारे में तो डेविड बेकहम की जर्नी जो है वो लोन की चालू होती है जनवरी 2 से और एंड होती है जून 30 तक, यानी कि यूरोपियन कैलेंडर के खत्म होते तक। और अगर मैं थियरी हेनरी के बारे में बात कर लूं तो थियरी हेनरी भी जो है वो भैया आर्सेनल ज्वाइन करते हैं 6 जनवरी को, और लेकिन ये आर्सेनल से वापस कर लेते हैं एमएलएस को 16 फरवरी में ही वापस आ जाते हैं। यानी कि इनकी जर्नी यूरोपियन कैलेंडर के हिसाब से लोन की ख़त्म नहीं हुई, इनकी जर्नी लोन की ख़त्म हुई एमएलएस के कैलेंडर के हिसाब से। सो डेविड बेकहम का डिफरेंस ये रहा, वो ना एसी मिलान गया और एसी मिलान में जब तक एसी मिलान का सीज़न चला तब तक वहाँ पे खेला, और थियरी हेनरी केवल 6 हफ्तों के लिए आर्सेनल गए और वापस आ गए जैसे ही एमएलएस का जो है वो सीज़न चालू हो गया। अब अगर लियो मेसी का ये जो र्यूमर अपन को सुनने को मिल रहा है एक पॉसिबिलिटी में रिटर्न होता भी है तो इसमें आपको थियरी हेनरी टाइप का ही कहानी देखने को मिलेगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि इमेजिन दिस लियो मेसी रिटर्न्स बैक टू एफसी बार्सिलोना ऑन अ लोन स्पेल एंड वेंट अहेड टू विन ला लीगा चैंपियंस लीग एंड देन गोज एंड विन द कोपा अमेरिका एज वेल एंड देन लिफ्ट द बैलन डॉर, क्या ही अमेजिंग जो है वो भैया इसका करियर हो जाएगा। बट ऐसा कुछ होने नहीं वाला है दोस्तों, बिकॉज वन थिंग इज फॉर श्योर, इंटर मियामी जो है वो इसको बार्सिलोना के साथ पूरा सीजन तो कंप्लीट करने नहीं देंगी जैसा डेविड बेकहम ने एसी मिलान के साथ किया था। अगर ये लोन में आ भी जाते हैं तो थियरी हेनरी के टाइप केवल 6 हफ्तों के लिए आएंगे, यानी जनवरी से फरवरी तक आप कह सकते हैं लियो मेसी विल बी अ बार्सिलोना प्लेयर। तो ये एक काइंड ऑफ ऐसा ड्रीम रन ही रहेगा मेसी के लिए जिसमें वो केवल 6 महीनों के लिए वो बार्सिलोना में आएगा जस्ट टू यू कैन से मीट द फैंस प्ले सम गेम्स बार्सिलोना की जर्सी में एंड देन ही विल बी गोइंग बैक टू इंटर मियामी फरवरी में। तो ये कहानी हो सकती है लियो मेसी के साथ। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली भाई इंटर मियामी सबसे बड़ा साइनिंग करी है एंड दे वोंट बी बिगिनिंग देयर न्यू सीजन ऑफ एमएलएस विदाउट लियो मेसी, तो वो तो पूरा उनका आप कह सकते हो मोटिव ही फेल हो जाएगा ना लियो मेसी को खरीदने का। तो लियो अगर लियो मेसी आते तो 6 हफ्तों टाइप ही आएगा जैसे आर्सेनल में गए थे थियरी हेनरी, नॉट लाइक डेविड बेकहम। अब इस चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। एक, आप लोग कैसे भूल जाते हो कि बार्सिलोना की फाइनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। आई एम लेजिट टेलिंग यू गाइस, बार्सिलोना विल स्ट्रगल टू भैया फाइंड अ वे टू रजिस्टर विक्टर रोक इन जनवरी। एंड अगर लियो मेसी लोन में आते भी हैं सैलरी तो बार्सिलोना ही देगी ना, भले वो 2 महीने के लिए ही क्यों ना हो, बार्सिलोना को मेसी को भी रजिस्टर करना पड़ेगा। हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए इतनी सी जगह रहेगी, क्या लियो मेसी को हम फिट कर पाएंगे वहाँ की नहीं कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और 2 महीने के लिए आएगा मेसी अगर बार्सिलोना तो क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से एक फ़ायदा बहुत हो सकता है बार्सिलोना में लियो मेसी को देखने के लिए, फिर से जो है वो भैया टूरिस्टों की लाइन लग जाएगी एंड टिकट सेल्स वगैरह जो है वो बूस्ट होगा बार्सिलोना के लिए इस 2 महीने में, जो अगला ट्रांसफर विंडो जो है वो बार्सिलोना के लिए काफ़ी जो है वो अच्छा बना सकता है। तो भैया इवन इफ मेसी रिटर्न्स टू एफसी बार्सिलोना फॉर 2 months, it will be a very huge deal for Barcelona in terms of finances as well and in terms of sporting as well, because who would not like to भैया have Leo Messi in his team on bench जब आपको समझ में आ रहा कि कुछ नहीं हो पाएगा, चल भाई मैसी जा कुछ जादू करके दिखा, और Barcelona को वो help कर सकते हैं भैया। although he won't be participating in UCL as well, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि जनवरी में आए हुए players जो है वो UCL में participate नहीं करने, क्योंकि UCL में participate करने के लिए आपको अपनी टीम का official जो है वो selected team पहले ही भेजनी पड़ती है, एंड ऑब्वियसली लियो मेसी का नाम नहीं होगा उस पहले भेजी हुई टीम में, तो लियो मेसी मेरे ख्याल से एलिजिबल नहीं होगा यूसीएल में खेलने के लिए। मैं गलत हो सकता हूं यहां पे, लेकिन मेरे ख्याल से वो नहीं होगा एलिजिबल। शायद ऐसा भी होता है कि वो एक ही सीजन में 2 क्लब नहीं चेंज करके नहीं खेल सकता, ऐसा भी हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से नहीं होगा इफ आई एम करेक्ट। तो ये कहानी है दोस्तों लियो मेसी की रिटर्निंग बैक टू एफसी बार्सिलोना की लोन में, जो मुझको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आई डोंट थिंक सो दैट ओनर्स ऑफ इंटर मियामी विल बी थिंकिंग ऑफ दिस। मोर ओवर अगर बार्सिलोना में जाने का सामने से लियो मेसी खुद नहीं कहते हैं कि यार मैं जाना चाहता हूं मेरे को जाने दो, मेरे को नहीं लगता कुछ होने वाला है। मोर ओवर टाटा मार्टिनो का आज आया था कोर्ट जहां पे वो ये कहता है कि
इफ लियो मेसी गोज टू बार्सिलोना इट विल बी अ फॉर अ विजिट, आई एम अमेज्ड बाय दैट र्यूमर। सो टाटा मार्टिनो जो कोच है भैया इंटर मियामी के, वो खुद ये कह रहे हैं। मोर ओवर लोगों को लग रहा है कि वो ट्रेन कहाँ करेगा अक्टूबर के बाद। तो देखो अक्टूबर में तो इंटरनेशनल ब्रेक ही लग जाएगा, तो ही विल बी गोइंग विद अर्जेंटीना की नेशनल टीम एंड भाई वो वहाँ पे ट्रेन करेगा एंड व्हेन ही विल बी रिटर्निंग टू इंटर मियामी, ऑब्वियसली इंटर मियामी में ट्रेनिंग्स वगैरह तो चलेंगी, तो ही विल बी नॉट आउट ऑफ द क्लब। ऐसा कुछ सीन नहीं है कि उसको ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं मिलेगा दोस्तों, ही विल बी स्टिल इन द कॉन्ट्रैक्ट विद इंटर मियामी। जस्ट यू नो बीच में हो सकता है कि वो बार्सिलोना ज्वाइन करे, जो मेरे को बहुत अनलाइकली लग रहा है। आपको क्या लग रहा है मुझको जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस इज अजय चेतन, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ।